सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो आज के आप एनर्जी देख सकते हो, मतलब एक बहुत खतरनाक वाली एनर्जी है आज की। मतलब एक बहुत खतरनाक न्यूज मिली है सुबह उठते ही। इतनी बड़ी गुड न्यूज आई है, मतलब ऐसी सुबह होनी चाहिए। तो जैसे सुबह ऐसी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो या बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि हम वो शूट कर, हमने शूट ही नहीं किया अब तक वो, क्योंकि वो माइंड से ही हमारे निकल गया। पता नहीं हमारे माइंड से क्यों निकल गया, निकलना नहीं चाहिए था। तो आपके लिए तो दो दो गुड न्यूज हो जाएंगी। एक तो पहली गुड न्यूज ये है, वो तो खैर 100K के बाद आ ही जाता है बाबू, सबको आ ही जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला होगा ना बाबू, हमने बताया नहीं ना। एक तो 100K के बाद जो हमारा यशस ब्लॉग है वो वेरीफाइड हो चुका है, तो वहां पे अपना टिक आ चुका है गाइज। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता रही हूँ। एंड सेकेंड बिग गुड न्यूज, हाँ सेकेंड बिग न्यूज क्या है पता है आपको? सेकेंड बिग न्यूज ये है कि मेरे नमुना का इंस्टाग्राम पे अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है विद द ब्लू टिक। तो पार्टी बन गई थी में। तो गाइस फाइनली ब्लू टिक आ चुका है इंस्टाग्राम पे, और इतनी खुशी फील हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है। सही है। क्योंकि पता है ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल ड्रीम के जैसी हैं, और अभी भी इन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं हो पाता बहुत बार इन चीजों के लिए ना। ये मतलब हमारे लिए क्या यार, हर किसी उस बंदे के लिए जो जो आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर है और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो फाइनली आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से, अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हमें और हमारी टीम हमारे साथ नहीं होती, तो मे बी ये पॉसिबल नहीं होता। तो सभी को थैंक यू सो मच दिल से। आज सही में बता रही हूँ, मैं बहुत दिल से शुक्रिया कर रही हूँ सबका, कि मतलब मैं अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रही हूँ ऐसे ज़्यादा वाली, लेकिन बस आप समझ जाओ कि मैं बस क्या बोलूँ बाबू। तो यही है। तो आज तो देखो पार्टी बनती है, इस बात की तो पार्टी जरूर बनती है। तो यही थी आज की बहुत बड़ी गुड न्यूज, एंड जो हमने बिना सस्पेंस में रखे आप लोगों को बता दी, सीधे बता दी। मतलब कितने अच्छी हो गई हो ना, सस्पेंस क्रिएट नहीं किया मैंने, डुबू को भी कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं किया। तो चलो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। मे बी आज का दिन तो बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि उठते इतनी बड़ी गुड न्यूज मिल गई, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड अब हम लोग मजे से, बस मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, यस ठीक है, यस। और उसके बाद गाइस जल्दी जल्दी यशस शॉर्ट्स पे जाके आओ, उसको क्यों नहीं तुम वो कर रहे हो? वैसे अब है ना गाइस, बहुत लोगों की जलने भी वाली है, जलने भी वाली है ना बहुत लोगों की। वो तो जलती रहती है, देखो जितना आप हाइट पे जाने लग जाते हो ना, तो उतना लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जितना जो कि आप देख ही रहे हो पिछले ब्लॉग्स में, आपने देखा कि लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं। एंड मेरे को कंटिन्यूसली स्क्रीनशॉट अभी भी जा रहे हैं, वो मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगी, हाँ बट वही है चीजें। सो अपने को पलट के उन चीजों को नहीं देखना है जो नेगेटिव चीजें हैं, जो अपने को पीछे खींचेगी, अपने को उनको नहीं देखना है, अपने को उनको साथ में लेके चलना है। जो अपने को प्यार करते हैं, अपने को सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ चलेंगे एंड हम उनके साथ चलेंगे। सो दैट्स इट, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। तो अब देखो जब नाम होगा तो बदनामी तो साथ साथ आएगी, तो अपने को उसकी कोई टेंशन नहीं है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज। So, कितनी मैच्योर हो गई हूँ मैं। yes. तो चलो देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा होता है। तो गाइस ब्लू टिक है, आज तो पार्टी करेंगे। लोगों का चल रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज हम लोगों ने बनाया, आपको दिख रहे होंगे रेड, ये है बीटरूट पराठा, जिसकी ऑब्वियसली बात है रेसिपी आपको मिलेगी मकबैंग वाले शॉर्ट्स में, और इसके साथ है दही और हरी चटनी। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, एंड जान पागल है क्या तू? ये सुनने के लिए तो मैं आया था, करते जब मुझे पता है कि कैमरा लगा हुआ है। अरे नहीं रे, नहीं ज्यादा नहीं हो रहा है, कुछ यार किसी को अगर पता हो सोल्यूशन तो बताना, इसके फेस के मिलिया के लिए क्या करें, मैंने पहले भी पूछा था। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:39। अब देख लो सुबह से हमें अब टाइम मिला है व्लॉग शूट करने का। कभी कभी हमें लगता है कि हम आजकल दूसरे कामों में ज्यादा ही बिजी हो गए हैं, एंड ये देख लो सारा सामान कैसे फैला पड़ा है, देख रहे हो सारा सामान कैसे फैला पड़ा है।
तो हम लोग कर रहे थे शूट से पहले पड़ा है, क्योंकि हमारा स्टूडियो और बेडरूम एक ही बना पड़ा है, तो उसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है। मुझे नहीं पता कब इलाज निकलेगा उसका। और मैं कैमरे में कहां कुछ उठा दिए तू, जान रू 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 करते हुए शूट करेगी तो कैसे डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वरीड है मेरे फेस को लेकर। कैमरे के पास मत जा, क्योंकि उन्होंने फिर आज एक अपॉइंटमेंट लिया, तो आज हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, बिकॉज मेरे छोटे 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 बिल्कुल छोटे जो आपको कैमरा में नहीं दिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे को टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम है ना, इसको बहुत पहले 2013 में हुई थी, और सेम ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, छोटे छोटे पहले पिंपल्स हुए थे और फिर पूरे मुंह पे पिंपल्स आ गए थे और पूरा मुंह भर गया था, समझ रहे हो उससे। तो मेरे को वो टेंशन हो रही है, अगर इसको दोबारा हो गया तो पहले डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे को ये सारी चीजें इसी ने बताई है, तो इसलिए मुझे पता है। तो आप ही मसूद है कि 2013 में मेरे को कैसे पता है, तो इसी ने मुझे बताई है। तो ये डिप्रेशन में चली गई थी भाई, तो मैं नहीं चाहती कि ये दोबारा इसके साथ वो वाली चीजें हों, तो मैं इसलिए बोल रही कि डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। घर पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, तो इसलिए अब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो इसलिए आज हम लोग, हमने शाम को 6:30 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर से, आसपास में ही है हमारे, तो हम उनके पास जाएंगे और फिर इसको दिखाते हैं इसका ट्रीटमेंट स्किन का। बाकी अगर आपके आपके जान पहचान में कोई हो जो मुंबई में अच्छा हो स्किन का स्पेशलिस्ट, एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। हाँ। पहले मेरा फेस पे जो हो गए, मेरे फेस फेस में जो थोड़े थोड़े ओपन पोर्स हैं, वो उसी की वजह से हैं जो मैंने ट्रीटमेंट कराया था। उन्होंने नो डाउट मेरा फेस ठीक कर दिया था, लेकिन वो करते क्या है कि पूरा चेहरे पे पहले दाने निकाल देंगे, फिर उसको सही करेंगे, फिर उनके मार्क्स हो जाते हैं, फिर उसको ठीक करेंगे। तो 2 साल लगे थे मुझे अपना फेस ठीक करने में, इसलिए मैं पहले कभी कॉस्मेटिक ट्राई नहीं करती थी, और अभी भी मैं बहुत रेयरली, बहुत ही लिमिटेड चीजें लगाती हूँ अपने चेहरे पे। सो अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत छोटे छोटे पिंपल्स हैं जो अभी दिखाई भी नहीं देंगे आपको, बट इनको थोड़ा सा ज्यादा टेंशन हो गई है, रीजन बता ही चुके हैं ये। तो हम फाइनली डॉक्टर के पास जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो बस अभी 5:45 बज चुके हैं सुबह से, देख लो ये टाइम आ गया, और अभी कुछ खाते पीते हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हमने कुछ खाया भी नहीं है, बस सुबह जो पराठे खाए थे ना बीटरूट वाले, बस वही खाए हैं। अब कुछ खाते हैं, फिर मिलते हैं। ज़्यादा भूख लग रही थी और बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो हमने मंगा लिया ये सैंडविच एंड डोसा। तो अभी खाते हैं, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास। सो गाइज, अभी अभी जस्ट हम लोग आए हैं डॉक्टर के पास से, और दिखा के आई हूँ मैं डॉक्टर को यशु को। तो खुद ही बता देगी भाई क्या बोला है डॉक्टर ने, बताओ भाई। डॉक्टर ने बोला है कि कम से कम 3 मंथ्स लगेंगे फेस ठीक होने में, और डॉक्टर ने ये भी बोला है, डॉक्टर ने पहले मुझसे पूछा कि अभी अभी शादी हुई है, मैंने कहा हाँ अभी अभी हुई है। अच्छा कितना टाइम हुआ शादी को, मैंने कहा 1 मंथ हुआ है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा तो फिर कोई स्ट्रेस चल रहा है, मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत चल रहा है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा किचन में काम कौन करता है, मैंने कहा मैं ही करती हूँ। तो उन्होंने और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बोल दी, उन्होंने कुछ ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें बोल दी, फिर मुझे डिस्क्लोज करना पड़ा। मतलब ये साथ में ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब मैंने बताया उनको कि ऐसा ऐसा है, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे लग ही रहा था पता नहीं क्यों ये फिर क्या, फिर इनको बोलती है फिर इनको बोला उन्होंने कि किचन में खाना भी ये बनाती होगी है ना। तो मतलब ऐसे हंसी मजाक चल रहा था। वो बहुत ही स्वीट थी जो डॉक्टर थी हमारी। तो उन्होंने बोला कि 3 मंथ्स का टाइम लगेगा, एंड उन्होंने मेडिसिन दी हैं, कुछ 1 मंथ की मेडिसिन दे दी है उन्होंने, जो कि हमें लेनी पड़ेगी। इतनी सारी मेडिसिन है इसमें, मतलब ये है तो कुछ वैसी चीजें ही हैं, जेल है, फेस वॉश टाइप, बस मेडिसिन ये है जो इसको खानी है, बाकी तो मॉइस्चराइजर है, ये सनस्क्रीन है, और ये अपना मॉइस्चराइजर है, और ये पता नहीं क्या, ये भी जेल है और ये भी जेल है, ये दोनों जेल है। ये देखिए ये भी, ये कौन सा है, पेरोक्साइड। हाँ तो ये सारे जेल हैं गाइस, जस्ट जो इसको लगाना है अपने फेस पे। एक महीने बाद मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, और 1 महीने के बाद में तो वो मतलब देखेगी कि क्या है। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब मेरा फेस ठीक हो जाएगा ना, तो उन्होंने बोला हो जाएगा, 1 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरा प्रोसेस के लिए कम से कम 3 मंथ्स बोला है। और फिर उन्होंने हमसे हमारे चैनल का लिंक भी ले लिया, कहती ओ माय गॉड इनको 1,00,000+ है इनके तो सब्सक्राइबर। अच्छा यार हमारे मतलब मेरे क्लिनिक में, ऐसे बोलते मेरे क्लिनिक में यूट्यूबर्स आए हैं बस सुनना ऐसे, मतलब वो बहुत कूल थी डॉक्टर है। तो ऐसे हंसी मजाक चल रहा था, तो बस ऐसे देख रही थी मेरी तरह, ऐसे ऐसे कर रही थी। तो अभी देखते हैं गाइस 1 महीने के बाद क्या रिजल्ट आता है,
एंड वी आर वेरी सॉरी कि आजकल हम आपको बहुत ज्यादा अच्छे व्लॉग नहीं दे पा रहे. उसके पीछे रीजन ये है कि यार हम बहुत सारी चीजों में फंसे पड़े हैं एंड आई नो कि देखो आप लोगों की तो कोई गलती है नहीं उसमें, गलती हमारी भी नहीं है एक्चुअली. हम भी बस क्या ही बताएं, थोड़ा तो चल ही रहा है. आप लोगों को पता है कि दो लोग मैनेज कर रहे हैं और चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, बट धीरे धीरे वो स्टेबल होती रहेंगी. बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं है उन चीजों को स्टेबल होने में, जल्दी ही सब कुछ यू नो हो जाएगा. हमने चलो बता ही देते हैं क्या 21 तारीख के बाद से आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे गाइस. 21 तारीख से ही आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे. ऐसा नहीं कि उससे पहले अच्छे व्लॉग नहीं मिलेंगे. नहीं, इनको तो 22 को मिलेगा ना 21 वाला. लेकिन उससे पहले भी तो मिलना है यार, क्यों अपने को ब्लू टिक सेलिब्रेशन करना है. एक्चुअली हम लोग ब्लू टिक का केक कट करने वाले थे, बट अब बता रही हूँ अभी जस्ट हम लोग आए हैं और अभी बहुत लेट हो गया है. बहुत लेट हो गया तो हम लोग नहीं कर पाए वो. तो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना जब दूसरा ब्लू टिक आ जाए तो साथ में ही सेलिब्रेशन कर लें. अभी किसी को पता नहीं है कि ऐसा कुछ चल रहा है अभी. मतलब देखो चांसेस थोड़े हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ कह नहीं सकते दूसरे ब्लू टिक के. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कब तक आता है. क्या पता जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो, क्या पता मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद ही बता दूं कि हाँ ब्लू टिक आ गया, या फिर सुबह आ जाए, कुछ कह नहीं सकते. देखो अभी पूरी कोशिश चल रही है एंड बस यही था अभी के लिए फिलहाल. और अभी हम लोग डिनर करेंगे. डिनर करने के बाद अभी मैं बैठ रही हूँ अपने काम के लिए. आजकल काम ज़्यादा है और काम देने के लिए कम है, काम करने के लिए ज़्यादा है. समझ रही है ना, समझ गई ना मैं जो तुम समझ गए ना जो मैं कहना चाह रही हूँ, बस वही बात है. तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना हमारे साथ गाइस, बिल्कुल थोड़ा सा. क्योंकि मैंने इनसे प्रॉमिस लिया है कि मतलब मैंने इनसे प्रॉमिस लिया है कि 21 तारीख को अच्छा आप लोगों को ये भी नहीं पता था कि हम लोग कब जा रहे हैं. तो 21 तारीख को हम लोग जा रहे हैं उस जगह में जहाँ हम जाने वाले हैं. तो उसके बाद सारे बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, बहुत शानदार व्लॉग आने वाले हैं. और मैं ये बता दूँ कि वो जगह नॉर्थ साइड की है. अभी जगह नहीं बताऊँगी कौन सी है, नॉर्थ साइड है, बस ये बता देती हूँ. सो मैंने इनको एक चीज़ बोली थी कि मतलब ये मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था कि जब हम वहाँ जाएंगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पारू पारू चाहिए, सिर्फ ब्लॉग्स चाहिए और पारू पारू चाहिए. उसके अलावा जो भी ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज है ना, पारू पारू बहुत फॉर्मल सा लग रहा है. कैसे मतलब पारू पारू चाहिए, पारू 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 वही अच्छा लगता है. तो मैंने इनको बोल दिया गाइस कि मेरे को सिर्फ पारू पारू ही चाहिए, 21 के बाद से लेके जब तक अपन बाहर होंगे बस ओनली पारू पारू, नथिंग एल्स. और बस उसके साथ ब्लॉग कंटिन्यू चलेगा, यशस ब्लॉग. एंड इधर उधर से दो चार रील्स एंड शॉर्ट्स आते रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में शॉर्ट्स वॉर्ट्स में नहीं रखने वाले, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में बस उतना ही काम चाहिए जिससे मेरी जिंदगी में सुकून रहे, और पैसा भी उतना ही चाहिए जितने मेरी जिंदगी में सुकून रहे. ये चीज हम डे वन से डिसाइड कर चुके थे जब से मैं जॉब करती थी. ये और मैं दोनों ही जॉब करते थे, तो मैं आप लोगों को या आप एज अ ज्ञान भी ले सकते हो. मैंने इनको ये चीज बोली थी कि मुझे मेरी जिंदगी में पैसा और चीजें सिर्फ उतनी ही चाहिए जितने में हमारा प्यार कम ना हो, जितने में हमारी जिंदगी का सुकून ना जाए. क्योंकि इतना पैसा भी नहीं आना चाहिए जिंदगी में यार, इतना काम भी नहीं आना चाहिए कि दूसरे को टाइम ना दे पाए. बीच में तो दिन हमारे साथ ऐसा हुआ ना, लिटरली हम दोनों के फेस ऐसे रोने वाले हो गए कि यार मतलब क्या हमारा प्यार मतलब क्यों ऐसे वो कर रहा है. समझ रहे हो ना, अपना प्यार सर्वाइव नहीं करना चाहिए, रिश्ता सर्वाइव नहीं करना चाहिए. पैसे का कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत कमा लेंगे, पैसा कमाने के लिए अपन बहुत कैपेबल है, लेकिन अपने को उतना ही चाहिए बस. देखो मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक घर चाहिए डुबू के लिए, एक गाड़ी चाहिए डुबू के लिए, और यशु चाहिए जो कि मैं हूँ उसके पास. बस मैं उसके लिए, वो मेरे लिए, बस फिर क्या चिंता है. देखो हमने एक दूसरे से सारे रिश्ते एक दूसरे को दे दिए. मैंने इंस्टा पे नहीं डाला था, मैंने व्हाट्सएप पे डाला था अपने. मैंने डेगो को चिल्ड्रंस डे विश किया था, बिकॉज ये मेरी बाबू भी है, मेरी नोना काका भी है, ये मेरी छोटा मोटा को ये छोटा मोटा झोला है मेरी. तो देखो हमारे एक दूसरे से सारे रिश्ते एक दूसरे से ही हैं, और जिंदगी भर के लिए हम यही कोशिश करते रहेंगे कि ये रिश्ते निभाएं एक दूसरे के साथ. सो बस ऐसा ही. देखो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो आप लोगों को चीज़ें कैसे एक्सप्लेन, कैसे आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे ना. तो बेसिकली ये एक फंडा है, एंड मैं आप लोगों को भी यही समझाऊंगी कि जिंदगी में सुकून रहना चाहिए, कुछ रहे या ना रहे, सुकून होना चाहिए जिंदगी में बस. बाकी सब सेकेंडरी चीज़ें हैं बाबा, सब कमा लोगे तुम, लेकिन सुकून तुम कहीं से कमा नहीं सकते, वो कमाया नहीं जाता, वो मिलता है तुम्हें नेचुरली. सो बस इतना ही ज्ञान दूंगी मैं अभी, बाकी तो मेरी एक महीने की दवाई. देख लो गाइस टाइम, देख लो टाइम हो रहा है रात के 1:04, और ये देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे.
देख रहे हो यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही थी अभी, जो हमारा नया चैनल आने वाला है उसके लिए। और इधर देखिए जरा क्या हो रहा है, शर्म थोड़ी आती है, शर्म बिल्कुल नहीं आती ना, ना तो मुझे एडिटिंग करने दे रही है ये औरत, और ये देख लो क्या कर रही है यहाँ पे। तू भी खा ले बाबू। मेरे को नहीं खाना। काम नहीं करने दे रही, इतनी देर हो गई। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 3, टाइम दिखा देती हूँ, ये देखो 2:59 हो रहे हैं और मैं जस्ट अभी आई हूँ अपना काम ख़त्म करके। एंड ये देख लो ये अभी तक जाग रही है, बेची सोई नहीं है अभी तक। नहीं पल पल चाहिए, मेरे को नहीं पता। 3 बजे पार पार। नहीं 3 बजे हो चाहे कितने भी बजे, मैं पार पार चला नीचे घूम के आए, चले घूमने चाहिए, घूमने चले, मेरे पार पार चाहिए, बस अब घूमने तो नहीं है, घूमने चलना चलते हैं ना, फिर क्या हो गया। आज मैंने गाइस रेड बुल पी के काम किया है, मजा ही आ गया। रात में काम करने का जो सुकून है ना, दिन में नहीं है वो, दिन में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, रात को बंदा आराम से काम करता है। हमें मस्त एक एक रेड बुल पी और मस्त काम किया धड़ल्ले से। अपनी वो वाली रील है ना, खुदा सोने मुखड़े बनाता है, जिकम 1.3 मिलियन चले गए उस पे। हाँ देखा था मैंने, बताया था तुम्हें तो सुबह। अच्छा ठीक है, अगर तो 1.3 मिलियन गए थे अभी गए 1.3 मिलियन। सॉरी सॉरी सॉरी, चल व्लॉग एंड कर दे, व्लॉग पे एंड कर दे बाबू। ओके गाइस गुड नाइट, कल मिलेंगे परसों के व्लॉग में। चलो ग्लाइज, चलो ग्लाइज। तो चलो गाइस इस व्लॉग को करते हैं, गाइस ये शब्द में ग्लिच आ रहा है तो। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग। सो गाइस टाइम हो रहा है 3:15 और मेरे को भूख लग रही थी, तो अभी यशु मेरे लिए सैंडविच बनाने गई है। कितनी प्यारी है, चिल्ला रही थी अंदर जाके, गलती करती मैंने शादी करके। बाबू शादी करके गलती करी है क्या? सुन तो, सुन सुन, मेयोनीज लगा देना। गाइस अभी जब बन के आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, इतना टेस्टी सैंडविच बनाती है ना यशु, वह क्या बताऊं मैं आपको। ये देख लो ये सैंडविच बना के लाई है यशु मेरी बेटी, इधर दिखाना शक्ल। क्या हुआ? आई वांट पारू पारू, पारू पारू मिलेगा ना सैंडविच वाला। उधर से वो बचता है, इधर से ये बचता है। चलिए सरप्राइज लिया एक। कैसा है? बहुत अच्छा है, दिल के यम्मी है। स्वाद में मार दिया तूने, यम्मी यम्मी है ये तो। चलो मैं खा लेती हूँ, सो जा सो जा।